गाइज यार आज का ये वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल का सब्सक्राइबर कैसे डिलीट कर सकते हो। वैसे तो लोग अपने चैनल का सब्सक्राइबर डिलीट नहीं करना चाहते हैं, पर क्या होता है कि जब आप एक नया YouTube चैनल ओपन करते हो उस टाइम पे आपके चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं, खुद से अच्छे वीडियो नहीं बना पाते हो, और आपके गांव मोहल्ले के लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और आपके वीडियो पे आके उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आप अपने घर वालों को या फिर अपने रिश्तेदार में किसी को अपना वीडियो नहीं दिखाना चाहते हैं, उस टाइम पे आपको लगता है कि काश मैं अपने सब्सक्राइबर को डिलीट कर पाता। और आप YouTube पे आते हो और यहाँ पे सर्च करते हो हाउ टू डिलीट YouTube सब्सक्राइबर, और यहाँ पे भी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा था, मैंने भी YouTube पे सर्च किया था कि अपने चैनल का सब्सक्राइबर कैसे डिलीट कर सकते हैं, और वहाँ पे एक वीडियो मुझे मिला 4 साल पहले अपलोड किया गया था, जो कि वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल का सब्सक्राइबर डिलीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज यार अपने YouTube चैनल का सब्सक्राइबर डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, एंड वहाँ पे अपने YouTube चैनल को ओपन कर लेना है जैसे मैंने किया है, ठीक है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे ये फिर से रिडायरेक्ट कर देगा क्रोम ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे आपका YouTube स्टूडियो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे ऊपर में क्लिक करना है, डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सब्सक्राइबर शो कर देगा सबसे नीचे में। रिसेंट सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं लास्ट 90 डेज का यहाँ पे शो कर रहा है किन किन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग सी ऑल पे क्लिक कर देंगे, लास्ट 90 डेज में आपके चैनल को किन किन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है वो यहाँ पे शो कर देगा। आप चाहें तो लाइफ टाइम का भी यहाँ से देख सकते हैं या 365 डेज का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जिन लोगों ने आपके वीडियो पे गंदे कमेंट किए हैं उनको आप अनसब्सक्राइब करवा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू स्क्वाड करके इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो मैं इसको अनसब्सक्राइब करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू स्क्वाड पे क्लिक करूँगा तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा YouTube चैनल पे, ठीक है ना। एंड इनका जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से ब्लॉक यूजर पे क्लिक कर देना है। ब्लॉक यूजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है ब्लॉकिंग दिस यूजर विल प्रिवेंट देम फ्रॉम कमेंटिंग ऑन वीडियोज यू वी अपलोडेड, ठीक है ना। यानी कि आप जो वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो पे ये बंदा कमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे YouTube पे बहुत सारे लोगों ने बता रखा है कि अगर आप अपने जो यूज़र हैं जो सब्सक्राइबर हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं तो YouTube आपके वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास नहीं भेजता है, उनका जो चैनल है वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, YouTube के तरफ से ऐसा कोई फीचर नहीं है जिससे आप अपने जो सब्सक्राइबर है उसको अनसब्सक्राइब करवा पाओ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप 3 डॉट पे क्लिक करके इसको ब्लॉक कर देते हैं तो ओनली आपके वीडियो पे ये कमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे तो इनके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, लेकिन ये आपके वीडियो पे कमेंट नहीं कर पाएगा, ये आपके वीडियो को ज़रूर देख पाएगा। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भैया ये चीज़ तुम पहले ही बता सकते थे, तो अगर मैं आपको पहले बता देता तो ये जो नॉलेज है आपको नहीं मिल पाता, आप फिर से YouTube पे जाते और सेम यही चीज़ सर्च करते कि अपने जो सब्सक्राइबर है उसको डिलीट कैसे करें। और जितने भी वीडियो है ना सब्सक्राइबर डिलीट के ऊपर बना हुआ है सभी लोगों ने सेम यही चीज़ बता रखा है, लेकिन आपको वो लोग क्या करते हैं कि बताते हैं कि 3 डॉट पे क्लिक करो और यहाँ पे यूज़र को ब्लॉक कर दो तो वो उनका जो चैनल है वो सब अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप जितना भी वीडियो देखोगे सेम यही चीज़ बताया गया है, ठीक है ना। तो ये सब वीडियो आप लोग देखना बंद करो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।